मेरा नाम हूर मजर है, मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में डायरेक्टर एजुकेशनल रिसर्च हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने मुझसे पूछा है, तो आज हमारा जो स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और गेम्स हमारे पूरे साल होते हैं, आज उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें आज हमने माशाल्लाह 5 गेम्स के जो विनर्स और रनर अप थे उनको, उन टीमों को बुलाया था यहाँ पर, और उनमें प्राइजेज और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तो हमारा आज का इवेंट खास स्पोर्ट्स के हवाले से था, और स्पोर्ट्स के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तमाम स्कूलों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़रूर बच्चों को उनका मौका दें, उनको मौके फराहम करें, और साल में एक बार या दो बार ज़रूर इस किस्म के गेम्स वो अपने स्कूलों में उसका इनेकाद किया करें, क्योंकि ये भी एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और बच्चों की जो हिडन उनकी छुपी हुई सलाहियतें वो सामने आती हैं, तो इससे बच्चों के जो स्किल्स होते हैं वो सामने आते हैं, और वो बच्चे फिर उनकी हौसला अफजाई होती है और फिर वो आगे बढ़ते हैं, और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो कम्पीट करके कभी विनर कभी रनर अप बनते हैं, फिर आगे जाके वही मुल्कों को उनके बड़े वो भी बनेंगे, हीरो बनेंगे, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई हॉकी प्लेयर बनेगा। तो इसलिए स्पोर्ट्स के शोबे को आगे बढ़ाना, तरक्की देना बहुत ज़रूरी है, और उसमें स्कूल हमारे जो स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल के जो असातज़ा हैं वो बेहतर किरदार अदा ये कर सकते हैं कि बचपन से ही बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर उनको मौके फराहम करें। पिछले कुछ सालों से COVID-19 की वजह से जहां पूरी दुनिया मुतासर हुई, बंद हुई, वहां पर इदारों में भी ये एक चेंज ज़रूर आया कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़रा कम हो गई या कहीं कहीं तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा दुनिया अपने रूटीन पर आ चुकी है, और माशाल्लाह कोविड भी ख़त्म हो चुका है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हमारी कोशिश है, हमारे इदारे की कोशिश ये है कि हम उसमें अपना पूरा हिस्सा डालें, और हम हर साल इस तरह के स्पोर्ट्स गेम्स ये सारे हम अपने बोर्ड की तरफ से ज़रूर इनेकाद करते हैं उनका। और आगे के लिए अभी ये है कि अभी हमारा इंटर स्कूल टूर्नामेंट हमारे हो रहे हैं रोज़ाना, ग्राउंड में मुख्तलिफ टीमें हैं जो खेल रही हैं, अब उन टीमों में से जो विनर टीमें होंगी तो दिसंबर में इंशाल्लाह इंटर बोर्ड होने जा रहा है, तो वो टीमें इंटर बोर्ड में भी फिर पार्टिसिपेट करेंगी और वहाँ भी कम्पीट करेंगी। मैं हर साल हज़ारों बोर्ड से इलाहाक शुदा स्कूल हमारे इस गेम में शिरकत करते हैं, बाकायदा हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी हुई स्पोर्ट्स के हवाले से, और हमारे पास बाकायदा टेक्निकल लोग हैं जो हमारे इवेंट को कंडक्ट कराने में हमारी मदद करते हैं, और हम हर स्कूल से उन टीचर्स को, टेक्निकल टीचर जो PTI है या डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है, उन लोगों को हायर करते हैं ताकि वो हमें मुफीद मशवरे दें, ताकि हम तलबा तलबात की जो खेलों की नशोनुमा जो रुकी हुई थी कोविड की वजह से, हमने इसको बहाल कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ डायरेक्टर एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स रिसर्च जो है मिसेज हूर मदर साहबा का भी यही विजन है, और हमारे चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह साहब का यही विजन है कि तलबा तलबात को हम निसाबी सरगर्मियों में खेल की तरफ राबित किया जाए, और ऐसे स्कूलों को कहा जाए कि वो अपने स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें, और मैट्रिक बोर्ड कराची हर सतह पर इन तलबा तलबात की हौसला अफजाई करेगा। ये बात से क्योंकि स्कूलों ने स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दिया था, और आपको पता है कोविड के बाद जो सूरत हाल शहर की थी, पूरे पाकिस्तान में, पूरी कंट्री में थी, उस वजह से स्कूलों में गेम नहीं हुए, मगर फिर भी इस साल हमने न्यू सेशन जो आप 2022 और 23 में हमने इंटर स्कूल शुरू कर दिया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्रिकेट में तकरीबन 50 से ज़्यादा टीमें आएंगी, फुटबॉल में क्रिकेट टूर्नामेंट हम भी हमारा करीब होगा, हॉकी के अंदर हमारी टीमें आई थी इंटर स्कूल के लिए, अभी अनकरीब हमारा इंटर बोर्ड भी हो रहा है, इंटर बोर्ड के सतह पर पाकिस्तान में सतह पर हो रहा है, उसमें हॉकी में हम पार्टिसिपेट करेंगे कराची मैट्रिक बोर्ड, और इंशाल्लाह बैडमिंटन है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, टेबल टेनिस है, हम ऐसे स्कूलों से मुसलसल रब्ता कर रहे हैं जिनके यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मौजूद है, और हम मीडिया के जरिए से भी ये पैगाम देंगे कि ऐसे तमाम स्कूल अपने स्कूलों में कम अज़ कम PT का एक पीरियड जरूर रखें, तलबा तलबात की जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि उनको खेलों के मैदान में उतारा जाए,
और उनकी इन खेलों की सरगर्मियों को ज़्यादा प्रमुख कहना है।